मेरी शादी को 18 साल हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं व्रत रखूंगी। छत पे जैसे कोई घूम रहा है, घुंघरुओं की आवाज आती है। हमारी भी तमन्ना थी कि हम भी व्रत रखेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे अपनी पति की आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए। नहीं रहते हैं तो फिर मन में ही थमा के रह जाते हैं। ना भैया, हम हाथ तो जोड़ते, हम तो हाथ जोड़े, हम नहीं रहेंगे। हाँ, एक लेडीज थी, उन्होंने की थी तो, लेकिन उनके यहाँ कोई ना कोई दुर्घटना होती, आज तक होती आ रही है। सब उनके घर में कम से कम ना 7-8 मौत हुई हैं, कोई फांसी लगा के, कोई कैसे, मतलब कोई अब रखता नहीं है डर के लिए। दर्शन करके चांद के देती अर्घ सुनारी, पति सुखी दर्शन पे था फिर पीती है बारी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। आज मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर आया हूँ, यहाँ पर करवा चौथ तो छोड़ो, करवा चौथ के बारे में महिलाएं सोच भी नहीं सकती हैं। आखिर क्या है यहाँ की कहानी, क्यों नहीं मनाती हैं यहाँ की सुहागिन महिलाएं करवा चौथ। आइए जानेंगे और समझेंगे क्या है पूरा रहस्य। हम आ गए हैं सुधीर के भगा गांव में, यहाँ की प्रथा जानेंगे आखिर क्यों करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं यहाँ की महिलाएं। हमारे साथ एक रहने वाली यहीं की महिलाएं, इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा है कि क्यों व्रत नहीं रखती हैं। क्या नाम है आपका? सपना। सपना जी, कितने वर्ष पहले आपके यहाँ पर शादी हुई थी? 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष पहले यहाँ पर शादी हुई थी आपकी, तो क्या करवा चौथ का व्रत आप रखती हैं? नहीं, यहाँ नहीं रखती हैं। ऐसा क्यों? यहाँ सती का श्राप लगा हुआ है, इसलिए सती माता का श्राप है, इसलिए नहीं रखते हैं व्रत। क्या, कैसे श्राप लगा था, क्या हुआ था पूरा मामला? श्राप, एक शादी हुई थी तो वो लोग अपना भैंसा वैंसा लेके यहाँ से जा रहे थे, तो जो हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने उस भैंसे में डंडा मारा और तो वो डंडा उनके पति के सिर पर लग गया, जिसके उनकी डेथ ऑन स्पॉट हो गई, तो वो वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। और वो वहीं सती माता ने सभी लोगों को अपना श्राप दिया कि मतलब आप लोग कभी फलेंगे फूलेंगे नहीं। और उस टाइम भी बहुत सारी मौतें हुई थी उनके श्राप के कारण, बहुत सारी मौतें हुई थी। उसके बाद इनकी हमने पूजा अर्चना, हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी पूजा अर्चना की, जिससे कि अब ये कुछ नहीं कहती हैं, अब हमारे उसमें रहती हैं, अपना इनका आशीर्वाद हमारे सभी लोगों पे बना हुआ है। कितने वर्ष पहले की बात है, आखिर क्यों डंडा मारा था उन्होंने भैंसा में, क्या हुआ था? ये 250-300 वर्ष की पुरानी बात है, जो कि बड़े बूढ़े हमारे बताते हैं, इतना तो हमें भी नहीं पता है। और जब उनकी, हमारे पूर्वजों का एक भैंसा चोरी हुआ था, तो उन्हें ये लगा कि ये भैंसा हमारा है, तो इस कारण उन्होंने उनमें डंडा मारा, लेकिन वो डंडा उनके ना लग के उनके पति के लग गया, तो इस कारण उनकी डेथ हो गई। तो वो कौन लोग थे जो भैंसा बुग्गी से यहाँ पर आ रहे थे, क्या था? उनकी शादी हुई थी, उनके विदा, गोने की विदा बोलते ना, उस वो विदा में उनके लोग, उनके घर वालों ने उन्हें दान भी दिया था, उसे वो लेके जा रहे थे इस वजह से। तो ये यहाँ से कोई रास्ता निकलता था, तो यहाँ से लेके वो जा रहे थे, और जब हमारे इन पूर्वजों ने देखा कि ये भैंसा हमारा है, तो इन्होंने कही, इन्होंने मतलब योजना बनाई थी एक केस भैंसा को लेने के लिए, क्या हमने कहे मतलब भैंसा के डंडा मार देंगे तो ये भैंसा भाग जाएगा, तो ये लोग चले जाएंगे, हम अपना भैंसा ले लेंगे, ऐसा ना हो के और भैंसा, तो भैंसा के डंडा ना लगो, उनके पति के डंडा जो लग गया तो वे ख़त्म रह गए। तो सती माता वहीं के वहीं, उन्होंने मतलब वो वहीं के वहीं सती हो गए। तो ये मंदिर आज भी मौजूद है, यही मंदिर है? हाँ, यही मंदिर है। इनकी हम बहुत पूजा करते हैं, सभी चीज़ में पूजा जाता है, जैसे लड़का वड़का होने में, शादी में, सभी चीज़ में इनकी पूजा की जाती है, हर चीज़ में पूजा करते हैं हम सभी, पूरा गांव करता है, पूरा गांव पूजा इन्हें पूज के जाता है, शादी ब्याह में। और ना पूजा तो क्रोध भी कर देती हैं, मतलब कुछ ना कुछ दंड जरूर देती हैं। हर सुहागिन महिला चाहती है कि वो अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखे, करवा चौथ का हर किसी को उत्साह रहता है, लेकिन आप लोग रखते नहीं, तो आपको लगता नहीं कि कुछ छूट रहा है? ना, शुरुआत में जब शादी हुई तो तब तो ऐसा लगा था कि मतलब कि हम व्रत नहीं रखते, सभी लोग रखते हैं, और अपनी पति के लंबी आयु के लिए सभी महिलाएँ व्रत रखती हैं, लेकिन हम अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत नहीं रखते हैं, क्योंकि इनके क्रोध के कारण, ये श्राप जो लगा हुआ है इस कारण। अगर कोई व्रत रख भी ले, नहीं मानता इस प्रथा को? हाँ, ये जैसे ये घर है ना, इनमें से एक वहाँ रहती हैं कहीं बाहर, उन्होंने व्रत रखा था, लेकिन मानते हैं कि व्रत रखने के बाद उनका पता नहीं लड़का जो कौन ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने भी छोड़ दिया, रखा किसी ने नहीं।
तो करवा चौथ वाले दिन इनकी देवियों की पूजा करती हैं आप यहाँ के? नहीं, पूजा पूजा नहीं करते हैं, पूजा पूजा कोई नहीं करते हैं। नहीं, और भी हर चीज में पूजा करते हैं, हर चीज में, जैसे कोई भी त्योहार है, शादी है, लड़का हुआ है, और डेली की जैसी भी करो, लेकिन हम रोजाना पूजा करते हैं, लेकिन करवा चौथ पे मतलब इस हिसाब से पूजा नहीं करते हैं। कल भी कोई भी ना कोई मांग भरेगा, ना कोई महावल लगाएगा, ऐसी कोई पूजा नहीं करेगा जो कल श्रृंगार का होता है, वो कोई नहीं करेगा। देखिए, ये ऐसी गांव की रहने वाली महिलाएं और भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, जो मंदिर पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जानकी। तो कितने वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था यहाँ? 18 वर्ष पहले हुआ था। तो आप करवा चौथ का व्रत रखती हैं? नहीं रखते। क्यों नहीं रखते आप व्रत? यूँ नहीं रखते हैं, सती माँ का श्राप लगा हुआ है, उसकी डर की वजह से नहीं रखते हैं। कोई भी नहीं रहता है, इसलिए माता रानी के हाथ जोड़ देते हैं, मन में जो तमन्ना है वो सब शांत कर लेते हैं, इसलिए नहीं रखते। तमन्ना तो बहुत थी पर नहीं रख, माँ के डर की वजह से ही नहीं रह पाते हैं। जो सती माँ शराब दे के गई हैं कि जो व्रत रखेंगी, जो मेरे साथ में ऐसा हुआ है ऐसा ही आपके साथ में होगा, इसलिए हम व्रत नहीं रखते। हर सुहागिन महिला चाहती है कि मैं एक व्रत रखूँ अपने पति के लिए, तो ऐसा मन में लगता नहीं है कि माँ को ऐसा गलत किया, माँ ने आशीर्वाद दोबारा देना चाहिए, फिर व्रत की प्रथा शुरू होनी चाहिए? लगता है, बहुत कुछ लगता है। हमारी भी तमन्ना थी कि हम भी व्रत रखेंगे, 16 श्रृंगार करेंगे अपनी पति की आयु के लिए, लंबी उम्र के लिए, हम भी व्रत रखेंगे, बहुत कुछ करते हम भी व्रत रखते, तो अब नहीं रहते हैं तो फिर मन में ही थमा के रह जाते हैं कि अब जब माई नहीं वो हो रही है राजी, तो फिर हम क्यों रखे व्रत, इसलिए नहीं रह पाते। और अम्मा हैं हमारे साथ जो काफी बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। अम्मा राधे राधे। क्या नाम है अम्मा आपका? राममती। अम्मा आपका विवाह कब हुआ था यहाँ पर? मैं ब्याह है गई बेटा 45 साल से ऊपर है गई। 45 साल आपके विवाह को हो गया, कभी सोचा है करवा चौथ का व्रत रखने के लिए? सोचा है बेटा, कहाँ करें, जब सती माँ की दुआएं तो जी कैसे रह जाऊं, और सती माँ ने वो कर रखे नहीं, सब मन में रहते अपने पति की उम्र बड़ी चाहते हैं, तो ऐसा है कि सती माँ श्राप दे गई ना, रहते ही मन की मन में रह जाते, हम चूड़ी ना पहन सकता। अम्मा ये बताइए, ऐसा कभी हुआ है यहाँ पर करवा चौथ का व्रत किसी ने रखा हो, कोई नहीं माना हो इस प्रथा का, फिर क्या हुआ उसके साथ? ना बेटा कोई ना, एक न की सुनी हमने, तो बाकी कहूँ घर बेघर हो, हमने ना है। और या में जा मोहल्ला में सुहागिन भैया कोई ना मरी, दो एक मरिए, हमारी दो जेठानी मरिए और एक भैया बैस मर गई, बढ़िया बड़ी बूढ़ी, और नहीं सब सुहागिन है वो बैस विधवा है कि मरते हैं। तो कौन सी ऐसा घर है जो व्रत रहा था उसका फैमिली वाले और उसका पति मर गया था, कौन सा, क्या हुआ था? पति ना मरे हो तो? घर खराब है गो बैसिंग, कबो कछु है गो, कबो कछु है गो, ऐसा है गो, तो जान जान गए फांसी खाए बैसे। अच्छा, फांसी खा ली। तो व्रत रखते हैं तो कोई ना कोई घटना उनके घर में हो जाती है? घटना होती है, अब एक बार रह के फिर ना रही वो, बस घटना की वजह से। जब गांव में शादी होती होगी, नया जोड़ा आता होगा, तो वो सोचती होगी कि आखिर क्यों, फिर कैसे समझा पाती उन्हें? समझा पाते बेटा, दूल्हा और बहू पूजते और जोड़ा जिमामते, सती माँ को जोड़ा जिमामते, ब्राह्मण लायक हैं ब्राह्मण ही लायक हैं, दोनों ने जोड़ा जिमांगे और जिमाए के नहीं है, अपन हाथ जोड़ देते हैं बस, और कोई बात। माँ की घुंघरू की आवाज़ भी आती है ऐसा बताया जा रहा है? हाँ बताते हैं, जैसे हमारे ताऊए जे मतलब ताई वगैरह आई तो वो बताती थी कि छत पे जैसे कोई घूम रहा है, घुंघरुओं की आवाज़ आती है, नाचती है, सुना भी है कभी कभार, हमने भी सुना है, हमारे देवर हैं उन्होंने भी आवाज़ सुनी है और इसने भी सुनी है। एक बार भाई साहब भी सो रहे थे हमारे, तो मतलब कि वो आ गई थी तो कमरे में खड़ी थी सफ़ेद कपड़ों में, कमरे में, तो क्या कुछ बोली भी? कुछ नहीं बोली, बस थोड़ा सिर पे देखती हैं, रात में घूमती हैं, लेकिन अब तो बोली सिर पे हाथ घुमा के और दर्शन दे के वो चली गई।
आपने कभी ऐसा सोचा नहीं कि माँ से माफ़ी मांग ली जाए कि माँ आप तो माफ़ कर दीजिए, ऐसा सर आपको वापस ले लीजिए, ऐसा कभी हुआ है? पता पड़ जाए ना, माफ़ तो उन्होंने अब कर दिया है, अब तो हमारी सभी की हेल्प करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अब तो सबको बच्चों पे आशीर्वाद है उनका, करते हैं ना उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो अब उनका आशीर्वाद है, वैसे तो शांत बैठ गई हैं, कुछ भी नहीं कहती हैं किसी से भी। अगर वो शांत बैठ गई आशीर्वाद है तो व्रत क्यों नहीं शुरू कर लेती हैं आप? नहीं, इस चीज़ में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, यही है बस। एक ने रिस्क लिया था? हाँ, तो उन्होंने रिस्क लिया था तो उनके पति है वो पागल हो गए और उनके घर में मतलब कई दुर्घटना हो गई। क्या, जैसे क्या दुर्घटना हुई? उनके एक लड़के ने फांसी भी लगा ली, पति पागल हो गए और फिर और चाचा ताऊ हो गए, उनके भी कई लोग खत्म हो गए। तो तब से फिर कोई रखता ही नहीं है? न, पहले से भी नहीं रखते हैं और कुछ उन्होंने शुरुआत की थी और उसके बाद भी नहीं रखते। अब सत्य किया नहीं, ना कोई रहे, छोरी रहते, बहु ना कोई रहेगी। अगर कोई रहे तो है? अगर कोई व्रत रहे तो ना कोई ना रह रहो। और जब ब्याह करते कहाँ है तब जोड़ा जमा दें सत्य मैया को, तेहरा हमने दे दें। हम बताएं भैया हमने तो यही दिया, क्यों हमने ना कछु करे। कितने साल हो गई आपकी शादी को? मेरे 80 वर्ष से ज़्यादा है गई, 100 की है गई, मैं 100 वर्ष की या 2 वर्ष की है गई। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे इस गांव की महिलाएं, इनका कहना है कि जो भी व्रत यहां पर रखता है वो उसका घर में कोई ना कोई संकट आ जाता है। और ऐसा कहते हैं कि लगभग 300 वर्ष पहले एक घटना हुई थी कि एक ब्राह्मण जोड़ा जो अपनी वाइफ के साथ इस गांव में भैंसा बुग्गी जो पहले चलती थी उससे यहां पर आ रहा था और रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसके जो पति था उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद से उसकी जो पत्नी थी उसने एक श्राप दिया कि जो भी यहां पर अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रखेगा या कोई भी यहां पर कोई व्रत रखेगा तो उसके यहां पर कुछ ना कुछ घटना हो ही जाएगी। और ऐसा श्राप आज तक चला आ रहा है, लगभग 300 वर्ष हो गए हैं, लेकिन यहाँ भय का माहौल है और डर लगता है कि जो भी महिला व्रत रखने की सोचती है उसके साथ अनहोनी जरूर हो जाती है। और यही मंदिर है जो सती माता का, वहाँ पर पूजा करती हैं जो आसपास की जो महिलाएं हैं गांव की। और ऐसा भी कहना है कि माता जब से यहाँ पर सती हुई हैं तो उनका जो उग्र रूप था वो अब कम होता जा रहा है, आशीर्वाद दे रही हैं, लेकिन अभी भी हिम्मत किसी में नहीं है कि व्रत रहें अपने पति के लिए। राधे राधे।